गाइस वेलकम टू माय चैनल पूजा रेड रोज मनोज चैनल। तो हाँ, आज मैं फिश की रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ। फिश की रेसिपी दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, तो मैंने इधर कढ़ाई बैठा दिया है। कढ़ाई बैठाने के बाद इधर फिश है और उसमें अभी मैं नमक डालने वाली हूँ। आप अपनी स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए उसमें। मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं हल्दी डालने वाली हूँ। तो अब मैं हल्दी डालने वाली हूँ। हल्दी मैंने डाल दिया है। तो उधर मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। तेल गर्म होने के बाद मैं एक एक करके फिश डाल रहूँगा। तो मैं हल्दी और नमक जो डाला था फिश में, उसको अच्छे से मिला लूँगी। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसको मिला लीजिए। इधर मेरा तेल भी पूरा गर्म हो चुका है, तो आप ध्यान से डालिएगा, एक एक करके अच्छा से आराम से डालिए, नहीं तो आपका फेस पे भी आ सकता है तेल। तो प्लीज़ अब आराम से डालिए। इधर मैंने एक डाला है, ऐसे करके मैं सारे फिश डाल दूंगी। और जब तक ये रेड रेड लाल रेड नहीं हो जाता, उसके तब इंतज़ार करेंगे। तो जब तक इसका रेड कलर नहीं आ जाता, तब तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। अब ध्यान से कीजिएगा। और ये फिश का अंडा है, ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको आगे रेसिपी दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, मेरा एक साइड रेड हो चुका है, तो मैंने दूसरी साइड रेड होने के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने इसको भी पलट देते हैं। इसको भी पलट चुकी हूँ मैं, तो ये भी रेड हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और हाँ, मुझे फ़िश में रेड कलर ज़्यादा, मतलब ये लाल होना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आप जैसे भी रख सकते हैं, मतलब मुझे थोड़ा कड़कड़ा पसंद है, इसलिए मैंने रेड रखा है पूरा, ताकि ये पूरा अच्छे से पक जाए अंदर से भी, इसलिए मैंने पूरा कर लिया है। तो आप अपना मर्ज़ी से कलर रख सकते हैं इसका, आपको जो भी कलर पसंद है। आप इधर देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है ये फ़िश। उसको निकालने के बाद फिर से मैंने फ्राई करने के लिए दो फिश छोड़ दिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप अच्छे से पलट लीजिए, देख लीजिएगा फट रहा है बहुत, तो आप आराम से केयरफुली कीजिए। और इधर मैंने फिश का जो अंडा था, इसको भी मैंने बैठा दिया है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मली जो आपका हल्दी है और नमक है, उसको उसके साथ मिक्स कर लीजिए और उसमें कढ़ाई में छोटा छोटा करके उसको डाल दीजिए बस, और उसको अच्छा से पका लीजिए। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने दे दिया है। देने के बाद, कढ़ाई में देने के बाद आपको दिखाया। आपको अगर अलग से फिश का अंडा का रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर देख सकते हैं आप, ये मेरा, मैंने सूखा मिर्च ले लिया है, ये काचा मिर्च ले लिया है, और जीरा ले लिया है, थोड़ा सा गोल मिर्च ले लिया है, और ये अदरक है, थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने, और एक प्याज है। अब इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इधर मेरा, मैंने दाल बिठाया, उसी का सीटी है अभी। और इधर मैंने जो फिश का ऑयल था, वही मैंने रखा है। इसमें दो चम्मच और तेल डालूंगी मैं। और इधर मेरा आलू मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया है, इस साइज़ का मैंने काटा है। और इधर मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है। तेल गर्म होने के बाद अच्छे से तेल को गर्म कर लीजिए। ये फिश का ही ऑयल है। और मैंने अभी तेल गर्म होने के बाद आलू फ्राई कर लूँगी।
आलू फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और मेरा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैं थोड़ी सी काली जीरी डाल दूँगी, थोड़ा सा बस डाल के। अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छे से मसाला को पका लीजिए थोड़ी देर। और अभी मैं अच्छे से पक चुका है मसाला, अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद अच्छा से इसको पका लूँगी थोड़ी देर। और इधर मेरा आलू भी पक चुका है, ये देख सकते हैं आप, मेरा आलू पक चुका है ज़रा। और मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी इसको, ढक दूँगी, ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर और पकाऊँगी। और मेरा अच्छे से पक चुका है, अब मैं एक एक करके इसमें फिश डाल दूँगी। आँच कम कर लीजिएगा, उसके बाद डालिए। मैंने फिश डाल दिया है, अब थोड़ी देर इसको फिश को मसाले के साथ थोड़ी देर उधर मैंने कुकर में दाल बैठाया था वो भी हो गया है, सीटी हो रहा है इसका। और लास्ट में मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी, इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। और मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है, हो चुका है मेरा फिश, अब इसको बंद कर दूँगी गैस। तो गाइस मेरा रेसिपी कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में रखा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।